हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज़। अभी कुछ घंटों पहले ही मुझे नीट का एक अपडेट रिसीव हुआ है। जो आपका नीट का एग्ज़ाम था, अभी तक हम ये सोचकर चल रहे थे कि नीट का एग्ज़ाम आपके जून फर्स्ट वीक में हो जाएगा, लेकिन नीट के एग्ज़ाम की जो डेट है वो फर्दर पोस्टपोन हो चुकी है। और उस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नीट का एग्ज़ाम अब मई लास्ट वीक या फिर जून फर्स्ट वीक में ना होकर जुलाई या फिर अगस्त तक हो सकता है। चांसेस है कि जुलाई में भी नहीं, सीधे अगस्त में आपका नीट का एग्जाम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर स्टेट में लॉकडाउन एक्सटेंड होता जा रहा है। जब तक लॉकडाउन कम्प्लीटली खत्म नहीं हो जाता, तब तक नीट का एग्जाम होना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चांसेस हैं कि आपका नीट का एग्जाम डायरेक्टली अब अगस्त में होगा। तो देखिए, अगर आप उन बच्चों में हैं जिनकी अभी तक नीट के एग्जाम में 80-90% प्रिपरेशन हो रखी थी और वो ये सोच रहे थे कि इतनी प्रिपरेशन से मेरी गवर्नमेंट मेडिकल सीट तो निकल जाएगी, लेकिन एम्स, जिपमर, यूसीएमएस दिल्ली जैसे टॉप कॉलेजेस नहीं निकल पाएंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप वो टॉप कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करें। अभी भी 2-3 महीने आपके पास हो गए हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। जो बच्चे उस लिस्ट में थे, उस कैटेगरी में थे जहां पर उनकी प्रिपरेशन सिर्फ 20-30% ही हो रखी थी और वो ये सोच रहे थे कि मुझसे इस साल नीट क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा, उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मेडिकल एंट्रेंस सीट उन्हें अब मिल सकती है, क्योंकि 3 महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है नीट के लिए प्रिपेयर करने का। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का प्लीज़ फ़ायदा उठाइएगा। अगस्त तक आपका नीट हो सकता है। अभी भी कोई क्लियर डेट नहीं आई है, कोई फिक्स डेट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन एक्सटेंड हुए जा रहा है, लेकिन जून में अब नीट का एग्जाम नहीं होगा। अगर होगा भी तो जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक तक होगा। ये डेट फर्दर एक्सटेंड हो सकती है, पर इस भरोसे अपनी प्रिपरेशन डिले मत करिएगा। प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करते जाइए, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।